आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने नथिंग जानी एड्रेस विल गो ऑन रिकॉर्ड, और भाषा के नाम पर देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कांग्रेस ने आतंकवाद और अलगाववाद को अपने हित में पनपने दिया, जिस कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को हिंसा, अलगाव और पिछड़ेपन में धकेल दिया, जिस कांग्रेस ने जिस कांग्रेस के राज में नक्सलवाद के लिए देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाकर के छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने देश की बहुत बड़ी जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, जिस कांग्रेस ने देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण होने से रोक दिया, वो आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रहे, जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही कंफ्यूज रही, उनको उद्योग जरूरी है कि खेती जरूरी है, उसी के कंफ्यूजन में गुजारा किया, जो कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि नेशनलाइजेशन करना है कि प्राइवेटाइजेशन करना है, उलझती रही, जो कांग्रेस 10 वर्ष में 12 नंबर से 11 नंबर पर आर्थिक व्यवस्था ले आ पाई, 10 साल में 12 से 11 नंबर, और आप 12 से 11 आने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मेहनत और बढ़ती है, हम 10 साल में 5 नंबर पे ले आए, और ये कांग्रेस हमें यहां आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां एक शिकायत थी, और उनको लगता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं, देश और दुनिया उनके 10 साल के कार्यकाल को ऐसे क्यों देखती थी, देश क्यों नाराज हो गया, इतना गुस्सा देश को क्यों आया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कहने से सब नहीं हुआ है, खुद के कर्मों के फल और अब तो सामने रहते हैं, वो कोई दूसरे जन्म में नहीं होते हैं, इसी जन्म में। आदरणीय सभापति जी, कुछ हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमें क्यों कहना चाहिए, जब उन्हीं को लोगों ने बहुत कुछ कहा हो तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। मैं एक वक्तव्य सदन के सामने रखना चाहता हूं, मैं पहला कोट पढ़ रहा हूं, सदस्यगण जानते हैं कि कोटेशन है, सदस्यगण जानते हैं कि हमारी ग्रोथ धीमी हो गई है,
और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। महंगाई दर बीते दो वर्षों से लगातार बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक हो चुका है, ये कोट मैंने पढ़ा। ये किसी भाजपा के नेता का कोट नहीं है, नहीं ये कोट मेरा है। आदरणीय सभापति जी, यूपीए सरकार के 10 साल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पीएम के रूप में रहे श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा और खुद के कार्यकाल में कहा, ये हालत थी, उन्होंने वर्णन किया था। आदरणीय सभापति जी, अब मैं दूसरा कोट पढ़ता हूं। देश में व्यापक गुस्सा है, पब्लिक ऑफिस के मिसयूज को लेकर भारी गुस्सा है। इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज कैसे होता था ये उस समय ये भी मैंने नहीं करा, ये उस समय के प्रधानमंत्री पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। उस समय भ्रष्टाचार को लेकर पूरा देश सड़कों पर था, गली गली में आंदोलन चल रहे थे। अब मैं तीसरा कोट पढ़ूंगा। एक संशोधन की कुछ पंक्तियां हैं, इसको भी आप सुनिए। टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए, राशन की योजना में लीकेज होती है जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है, इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे। सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं उस पर शक होता है, ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से एक रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। और आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है, कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैंने दुनिया कहती फ्रेजाइल 5 पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले, हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। कि देश ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अनबिकमिंग कॉन्डक्ट, प्लीज कंटिन्यू। नो प्लीज। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय, तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया,
अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता पिनल कोड आपने क्यों नहीं बदली। आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे। आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता है। अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने। कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था? अपर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चिन्हों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे? हम एक के बाद एक हटा रहे हैं। अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? अगर ये समाजपति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमान और निकोबार इन द्वीप समूहों पर आज भी अंग्रेजी सत्ता के निशान क्यों लटके पड़े थे? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो ये देश के सेना के जवान देश के लिए मन मिटते रहे, लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल तक आप बना नहीं पाए थे, क्यों नहीं बनाया? अगर आप अंग्रेजों से इंस्पायर्ड नहीं थे, प्रभावित नहीं थे तो भारतीय भाषाओं को हीन भावना से क्यों देखा? स्थानीय भाषा में पढ़ाई के प्रति आप लोगों की बेरुखी क्यों थी? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने में आपको कौन रोकता था? आपको क्यों महसूस नहीं हुआ कि दुनिया में, आदरणीय सभापति जी, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते, ये सारी बातें याद आने वाली है। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया और इस नैरेटिव का परिणाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा, धकियानों से मानने लगा गया और इस प्रकार से एक हमारे अतीत के प्रति अन्याय करने की नौबत आई है। अपनी मान्यताओं को गाली देते हैं, अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं तो आप प्रोग्रेसिव है? इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाने लगे देश में और उसका नेतृत्व कहां होता था ये दुनिया भली भांति जानती है। दूसरे देश से आयात करना उसको गर्व का और भारत की कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है, ये स्टेटस बना दिया गया था, ये स्टेटस सिंबल बाहर से आया, मेड इन फॉरेन स्टेटस बना दिया था। ये लोग आज भी वोकल फॉर लोकल बोलने से बच रहे हैं, मेरे देश के गरीबों के कल्याण का काम हो रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात उनके मुंह से नहीं निकलती है, आज मेक इन इंडिया कोई बोलता है तो उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी।